नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट रिजल्ट 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 28 मार्च 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज, यूपी टेट रिजल्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपको दोस्तों बता दें, इस समय की एक और बड़ी अपडेट आ रही है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने अफसरों को सौंपा है कामकाज का एजेंडा। बोले, रिक्त पदों पर भर्ती में तेजी लाए सभी विभाग। जी हाँ दोस्तों, सभी विभाग में हमारे भैया शिक्षक भर्ती भी आ जाती है। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। और हो सकता है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगले दोस्तों 2 या 3 महीने में जारी किया जा सकता है। देखिए, तुरंत तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है, समय लगेगा, लेकिन विज्ञापन आएगा जरूर। एक एक करके दोस्तों आज की सभी अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। सीटेट जुलाई 2022 के लिए कब से शुरू होंगे आवेदन, इसकी पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। और नई शिक्षक भर्ती में किन किन छात्रों को मिलेगा मौका, इस अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सृजित होंगे 1026 पद, नवोदय विद्यालय समिति से शिक्षक भर्ती कराने की तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीएड के छात्रों को भैया बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुछ वैकेंसी है जो बीएड के छात्र जिसमें आवेदन कर पाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 486 पद सहायक अध्यापक टीजीटी के शामिल है। तो ठीक है भैया, बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी यहाँ पर। और एक और अपडेट निकल कर आई कि 99,000 लाभार्थियों के खाते में भेजे गए 500-500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ई श्रम वाला जो पैसा था वो भेजा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये मुख्यमंत्री जी की वाली अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल देखिए, आपको अपना यूपी टेट का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना, पहले उसका पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपका रिजल्ट दोस्तों कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो चलिए पहले दोस्तों यूपी टेट का रिजल्ट डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में देखिए गूगल ओपन कर लेना है और सर्च क्या करना है, DELETRESULT.com, DELETRESULT.com। जैसे दोस्तों आप इसको गूगल में सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर वेबसाइट दिखेगी DELETRESULT 2022, आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप ओपन करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टेट रिजल्ट 2022 का सीधा लिंक दिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करना है रिजल्ट यूपी टेट का। और आप यहाँ पर देख सकते हैं नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो आए वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हमें रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट के लिए यहाँ पर क्लिक है, पर सिंपल सा क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं भर्ती का विज्ञापन जो अभी 40,000 पदों पर आया बिहार में और 28 मार्च से जो इसमें आवेदन है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आई थी जो राजस्थान से आई थी, जहाँ पर बीएड के छात्रों को बाहर किया गया था। उसके बाद दोस्तों चलिए फिलहाल हमें रिजल्ट डाउनलोड करना है, क्लिक हियर पर हम सिंपल सा क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यूपी टेट रिजल्ट 2022 लिंक 1 लिंक 2 लिंक एक्टिवेट सून। जी हाँ दोस्तों, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है और आप इस वेबसाइट के माध्यम से जो लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हैं कि योगी 2.0 में मंत्री बनने वाले 52 नाम। तो उप मुख्यमंत्री दोस्तों हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ब्रजेश पाठक जी हैं। बाकी कैबिनेट मंत्री दोस्तों आप देख सकते हैं लाइन लगी है, स्वतंत्र प्रभार देख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन से लेकर जो भी दोस्तों बड़ी अपडेट थी, शिक्षक भर्ती जल्द आएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला निकल कर आया, यूपी में PPP मॉडल पर चलेंगे सरकारी स्कूल। मतलब हमारी खबर आपकी इस वेबसाइट के माध्यम से मिलती रहती है। तो फिलहाल दोस्तों रिजल्ट का जो लिंक है किसी भी समय एक्टिवेट कर दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, तैयार हो जाइए रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए। और सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट, कमेंट बॉक्स में दोस्तों का लिंक दिया होगा, लगातार आप चेक करते रहिए। सबसे पहले आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको रिजल्ट डाउनलोड करने का पूरा तरीका समझ में आ चुका होगा। अगर हम बात करें कोरोना केसेस की, 24 घंटे में हमारे देश में 1,198 कोरोना के नए मामले सामने आए और 32 लोगों की जान भी गई है। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों आज की सभी अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। कोरोना के मामले क्यों दिखाते हैं आपको बता दें, उसका रीजन है दोस्तों सीटेट जुलाई का पेपर। अगर कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है भैया, फिर सीटेट की परीक्षा नहीं हो पाएगी। पिछले साल अगर दोस्तों मार्च की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार ये अच्छी खबर है कि कोरोना के केसेस इस बार अभी बढ़ नहीं रहे, तो हमारा जो सीटेट जुलाई का पेपर है वो आसानी से समय से हो पाएगा। मोबाइल में कैसे डाउनलोड करना है रिजल्ट, उम्मीद करते हैं आपको तरीका समझ में आ चुका होगा। हमने कमेंट बॉक्स में भी दोस्त इसीलिए आप लोगों के लिए लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यूपी टेट रिजल्ट की भैया कोई अलग से तारीख नहीं आएगी। हमारा रिजल्ट 25 फरवरी को जारी होने वाला था, लेकिन आज तारीख 28 मार्च, मतलब एक महीने से ज्यादा का समय निकल चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक हो जाए। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अब अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा PNP की तरफ से कि अब आपका रिजल्ट आने वाला है।
जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। परीक्षा की तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से करिए। कौन सी परीक्षा? सुपर टेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वैसे आंसर की थी, आप अपना नंबर मिला लिया होगा, अगर आपको लगता है कि आप पास हो रहे हैं तो सुपर टेट की तैयारी में लग सकते हैं। लापरवाही की दोस्तों कोई भी गुंजाइश ना हो। जी हाँ दोस्तों, बार बार इसीलिए कहते हैं लापरवाही की गुंजाइश ना हो ना। काफी बच्चे लापरवाही कर रहे हैं, सोच रहे हैं चलो ठीक रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे, कोचिंग क्लासेस शुरू करेंगे। जैसे भी आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, घर पर रहकर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन पढ़िए, लापरवाही मत करिएगा गाइस। बार बार नौकरी नहीं आती है, वैकेंसी नहीं आती है। 69,000 भर्ती के बारे में आप बहुत सुनते होंगे, याद रखिए, फिर से हम दोहरा रहे हैं, इस भर्ती का विज्ञापन 2018 में आया था। सोच लीजिए 2019 में कोई नौकरी नहीं आई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, 2020 का साल ऐसे निकल गया, 2021 ऐसे निकल गया, 2022 चल रहा है, उम्मीद है दोस्तों इस साल वैकेंसी आएगी। तो आप इस गैप को देखिए जरा कि एक बार वैकेंसी आने के बाद एक साल, दो साल, तीन तीन साल तक कोई वैकेंसी नहीं है, चौथा साल चल रहा है। तो अगर इस बार आप भर्ती में चूक गए, नहीं मौका मिल पाए, तो आप सोचिए कितने लंबे समय तक आप बेरोजगार रहेंगे। तो लापरवाही की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करिए, ठीक है। तो चलिए क्या करके अपडेट को जरा देखते हैं। एक तो यूपीटेट 2021 पेपर लीक प्रकरण, जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं, टेट पेपर लीक प्रकरण में उत्तराखंड में तैनात ऑडिटर अमित वर्मा को एसटीएफ ने मुख्य आरोपी बताया है। उसी ने प्रयागराज में साल्वर गैंग को टीईटी का पेपर व्हाट्सएप किया था। शिवकुटी और जूसी थाने में दर्ज मुकदमों में उसका नाम सामने आया है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस और एसटीएफ मिलकर भी एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा कि अमित वर्मा को पेपर कहां से मिला था। वही शंकरगढ़ पुलिस ने पकड़े गए 25,000 इनामी अजय देव पटेल को भी जेल भेज दिया। सीओ एसटीएफ नवेंदु सिंह ने बताया कि 28 नवंबर 2021 को एसटीएफ ने जूसी से सत्य प्रकाश सिंह, अभिषेक सिंह और अनुराग को टीईटी का पेपर लीक के साथ गिरफ्तार किया था। तो ये दोस्तों बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं और इस अपडेट को जरा देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के वरिष्ठ अफसरों के साथ पहली बैठक में प्राथमिकताएं भी तय कर दी है। उन्होंने दोस्तों आप देख सकते हैं कि अफसरों को निर्देश दिया है कि सभी विभाग रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाए, पंचायत सहायकों की तैनाती के कार्य को भी पूरा किया जाए। गौरतलब है कि दोस्तों चुनाव के दौरान बेरोजगारी और भर्तियों में लेट लतीफी से जुड़े मुद्दे खूब उठे थे, इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने भर्तियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखने वाली बात होगी कि भर्ती में तेजी आती है कि सिर्फ बातें हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को चुनाव के दौरान पहले कार्यकाल के असरदार साबित हुए कार्यों को प्रभावी तरीकों से दूसरी पारी में भी आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति कड़ाई से जारी रखने, प्रदेश को देश का नंबर वन राज्य व नंबर वन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य घोषित किया है। उन्होंने शासकीय कार्य प्रणाली और प्रभावी करने और संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को रणनीति बनाकर पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी इसके लिए तैयारी कर काम शुरू कर दे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मित्र ने आश्वस्त किया कि सभी अधिकारी पूरी निष्ठा व लगन के साथ ही कार्य करेंगे। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, अध्यक्ष राजस्व परिषद मुकुल सिंगल व कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव उपस्थित थे। ये दोस्तों बड़ी बड़ी अपडेट है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग जो परीक्षा की तैयारी है उसको बेहतर तरीके से करिए, ठीक है। तो उसके बाद जो और अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि जो हमारा यूपी टेट का रिजल्ट है उसका लिंक अब कभी भी एक्टिव हो सकता है। किन किन बच्चों को नई शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एक बात और आप यहां पर जरा समझ लीजिए, देखिए दोस्तों जो हमारी नई शिक्षक भर्ती होगी, ठीक है, तो इनमें उन्हीं छात्रों को मौका मिलेगा जिन बच्चों का डीएलएड का कोर्स या बीएड का कोर्स कंप्लीट हो गया हो, मतलब कोई बैक नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लीट हो, उसके बाद आपका यूपी टेट या सीटेट में से कोई एक परीक्षा क्लियर होना चाहिए तभी आपको नई भर्ती में मौका मिल पाएगा। बाकी दोस्तों पासिंग मार्क को लेकर कन्फ्यूजन में मत रहिए, जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको पास होने के लिए 90 नंबर, अगर आप ईडब्ल्यूएस में भी आते हैं तब भी 90 नंबर। जी हाँ दोस्तों ईडब्ल्यूएस में कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा, ये मत सोचिएगा बयासी में काम चलेगा, ऐसा नहीं है। बाकी हमारी ओबीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, पास होने के लिए 82 नंबर, फिजिकल हैंडीकैप पास होने के लिए 82 नंबर। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।